हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरिफ ब्लॉग। दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, लाइक कर दिए और बेल आइकन दबा के ऑल पे कर दिए, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। दोस्तों 14 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर तक के दोस्तों 15,000 से ज़्यादा गैर मुल्कियों को दोस्तों पकड़ा गया है, जिनके जो हरूप वाले थे, जिनके इकामे पे कुछ और काम था, कर कुछ और काम रहे थे वो दोस्तों, उन ऐसे लोगों को दोस्तों पकड़ा गया है। दोस्तों गुजारिश ये है, जिन भाइयों का अगर पेपर नहीं कंप्लीट है दोस्तों, वो अपना पेपर कंप्लीट करा लें, और जो जिन भाइयों के पास इकामा नहीं है, भागे हुए हैं दोस्तों, जिनका हरूप लगा है, वो एम्बेसी से जाके फाइनल एग्जिट के लिए जाके कह सकते हैं, जाके करा सकते हैं अपना काम। अगर दोस्तों आप पकड़े जाते हैं तो आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। और दोस्तों आपको बताता चलूँ, वहीं दोस्तों बताया गया कि कोरोना वर्जन, नए वर्जन को, डेल्टा वर्जन को देखते हुए ये बूस्टर डोज दोस्तों लगाना ज़रूरी हैगा। दोस्तों 18 साल के बाद वाले और दोस्तों जिनको 6 महीना हो चुका है सेकेंड डोज लगे हुए, वो दोस्तों अपने तवकलना से या सेहती से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं अपने नज़दीकी सेंटर से। और दोस्तों बताता चलूँ आपको, सऊदी में छूट के बाद दोस्तों मस्जिदों में बिना सामाजिक दूरी के दोस्तों नमाज हुई, अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों। वहीं दोस्तों आपको बता, कम होते केसों से को देखते हुए दोस्तों ये छूट मिली हैगी दोस्तों। लेकिन दोस्तों जहां भी अभी आपको ज़रूरत लगे, वहां भी अभी आपको थोड़ी सावधानी बरतनी ज़रूरी है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि दोस्तों हम हुकूमत ने मास्क ना लगाने को बोल दिया, साथ साथ ये भी बोला है दोस्तों, जहां भी ज़रूरत लगे वहां पे एहतियात बरतने की भी ज़रूरत है दोस्तों। जहां भी कहीं कंजेस्टेड एरिया है, भीड़ भाड़ एरिया है, काफ़ी लोग इकट्ठा आएंगे, तो वहां पे आपको एहतियात बरतने की ज़रूरत हैगी दोस्तों। अगर खुद खुला एरिया है, मैदान ऐसा एरिया है, तो वहां पे आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों कंजेस्टेड एरिया में अभी भी आप थोड़ा एहतियात बरतें, अभी कोरोना वायरस ख़त्म नहीं हुआ है, अभी दोस्तों कम हुए हैं, केसेस कम हुए हैं, तो उसको देखते हुए कुछ लोगों को राहत दी गई है। और दोस्तों आपको बताता चलूँ दोस्तों, एक गुड न्यूज़ भी है कि दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने भारत समेत कई देशों के लिए, सऊदी अरब ने 30 नवंबर तक का वीज़ा एक्सटेंशन कर दिया है दोस्तों। 30 नवंबर तक का वीज़े पर वैलिडिटी मुफ्त में बढ़ा दी गई है दोस्तों। विदेश मंत्रालय का दोस्तों कहना है कि यात्रा में प्रतिबंधितों की वजह से जारी किए गए वीज़ों पे प्रवासी अभी तक यात्रा नहीं कर पाए, इसीलिए दोस्तों वीज़ा की डेट आगे बढ़ा दी गई है दोस्तों। और दोस्तों बता दूँ, ये केवल वीज़े की जो आगे डेट बढ़ाई गई है, ये केवल विजिट वीज़ा धारकों के लिए जो ही बढ़ाई गई है, जिनके पास विजिट वीज़ा थे उनकी ही डेट बढ़ाई गई है। और जब विजिट वीज़ा लिया होगा तो आपने ईमेल दिया होगा, उस पर आपको ईमेल ज़रूर आया होगा, सबको ईमेल कर दिया गया है दोस्तों, 30 नवंबर तक के ये डेट बढ़ा दी गई है।